दोस्तों नमस्कार, मैं प्रकाश भटनागर। आप सभी जानते हैं पूरी दुनिया किस भीषण आपदा से दो चार हो रही है। देश की आजादी के बाद की पीढ़ी के लिए यह पहला मौका है जब वो एक अज्ञात और अजाने दुश्मन से लड़ने की कोशिश कर रही है। यह लड़ाई पूरा देश सामूहिकता से ही लड़ सकता है। यह सामूहिकता भौतिक नहीं, भावनात्मक है। इसलिए घरों पर रहें, परिवार के साथ रहें, अपना ध्यान रखें, अपने अड़ोस पड़ोस का ध्यान रखें, अपने चहेतों और यार दोस्तों का ध्यान रखें। पर ध्यान रखें कि यह ध्यान दूर से ही रखना है। इस समय की दूरियां ही हमारे भविष्य की नज़दीकियों के लिए जरूरी है। यह समय एक दूसरे से दूर रहकर ही एक दूसरे की मदद करने का है। आज की यह दूरी ही हमारी पीढ़ी के भविष्य का एक बेहतर कल हो सकती है। हम भावनात्मक रूप से एक रहें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रात 9 बजे देश से अपेक्षा की है कि हम एक दिया जलाएं, चाहे मोमबत्ती जलाएं, टॉर्च जलाएं या मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाएं, घर की बत्तियां बुझाएं और कोरोना के अंधेरे के खिलाफ लड़ाई में देश की भावनात्मक एकता का प्रदर्शन करें। कोरोना से लड़ने वाले देश के तमाम योद्धाओं, डॉक्टर, पुलिस, प्रशासन और वो तमाम लोग, जब हम घर में बैठे हैं और वो कोरोना के खतरों के बीच हमारी सुरक्षा और ज़रूरतों का ध्यान रख रहे हैं, उन्हें सैल्यूट करें, उनके सम्मान में 2 मिनट तालियां बजाएं, तमाम वैचारिक और मजहबी मतभेदों को दरकिनार कर एक भारत श्रेष्ठ भारत का प्रदर्शन करने में भागीदार बने। जय हिंद। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।